नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम भाग्य चक्र में पंडित जी से जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह पाप ग्रह माने जाते हैं और वो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या कभी पाप ग्रहों से भी शुभ फल पाया जा सकता है? यदि पाया जा सकता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि पाप ग्रह किसे कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर असर क्या होता है। पंडित जी, नाम ही कोई सुन ले पाप ग्रह, वैसे ही डर जाता है कि अरे भैया कहीं हमारे ऊपर पाप तो नहीं चढ़ जाएगा। तो ये पाप ग्रह कौन से होते हैं और ये किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालते हैं? प्रवीण जी, ज्योतिष में ग्रहों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। कुल मिलाकर हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं और इन 9 ग्रहों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। कुछ ग्रह शुभ ग्रह हैं, कुछ ग्रह क्रूर ग्रह हैं और कुछ ग्रह पाप ग्रह हैं। पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु माने जाते हैं। इनको पाप ग्रह या अशुभ ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को, जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ प्रेरित करने की, ले जाने की क्षमता रखते हैं। शनि, राहु और केतु, इनके बुरे प्रभाव में जब व्यक्ति आता है तो बिना इच्छा के भी उसका इंटेंशन नहीं होता, वो चाहता नहीं है कि करें, बावजूद इसके वो पाप कर्मों की तरफ चला जाता है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जो पाप ग्रह हैं वो हमेशा नुकसान ही करेंगे। कुछ ग्रह फंक्शनल मैलिफिक होते हैं और कुछ ग्रह नेचुरल मैलिफिक होते हैं। शनि, राहु और केतु नेचुरल मैलिफिक हैं, नेचुरल पाप ग्रह हैं, लेकिन फंक्शनली कभी कभी फायदा पहुंचाते हैं। कभी कभी ये पाप ग्रह अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं और व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। यानी पाप ग्रह केवल पाप कर्म नहीं करवाते, अगर वो कुंडली के लिए शुभ परिणाम देने में सक्षम हैं, अगर उनके पास शुभ स्थिति कुंडली के हिसाब से मौजूद है तो वो जीवन में शुभता भी पैदा करते हैं, पवित्रता भी पैदा करते हैं और जीवन में सफलता भी देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिन्हें पाप ग्रह माना जाता है और ये किस तरीके से जीवन पर असर डालते हैं, कैसे इनसे शुभ फल पाएं। पंडित जी, सबसे पहले बात करते हैं शनि के बारे में। शनि को सुन करके ही लोग डरते हैं कि भैया शनि का हमारे ऊपर क्या असर होगा। तो शनि, ये जो ग्रह है जिसे आप पाप की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो ये किस तरीके से जीवन पर असर डालता है, क्या कभी इससे पुण्य मिल सकता है? देखिए, शनि हो या कोई भी ग्रह हो, उसका दो हिस्सा होता है, एक शुभ हिस्सा और एक नकारात्मक हिस्सा। बृहस्पति को हम सबसे पवित्र मानते हैं, लेकिन बृहस्पति भी अशुभता पैदा कर सकता है। अगर हम शनि की बात करें कि इसका पाप प्रभाव कैसा होता है, जीवन पर इसका पाप का इम्पैक्ट कैसा होता है, अगर हम शनि को समझें और ये भी समझें कि ये शुभ प्रभाव कब देता है और किस तरह का शुभ प्रभाव देता है। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का पाप प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है। अगर शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर होगा तो आप आलसी होंगे, लापरवाह होंगे और स्वभाव से कठोर होंगे। शनि अगर दुष्प्रभाव देगा, हर समय आपको आलस्य और मलिनता आपके ऊपर छाई रहेगी। शनि जब अशुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति क्षुद्र देवताओं की, छोटे देवताओं की, तंत्र मंत्र वाले देवताओं की पूजा करता है और निम्न कर्मों की तरफ जाता है, साफ सफाई नहीं करता, अपना ध्यान नहीं रखता। यानी शनि अगर अशुभ प्रभाव देगा
तो जीवन से लेकर के मन तक मलिनता पैदा होगी। शनि जब जीवन में शुभ परिणाम देगा तो सबसे पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होगा, व्यक्ति अनुशासित होगा और समय पर पहुंचेगा, समय पर काम करेगा। ध्यान के माध्यम से और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलेगा। शनि शुभ परिणाम देगा तो व्यक्ति ईश्वर की तरफ झुकता है। शनि अगर शुभ परिणाम दे तो व्यक्ति लोगों को सन्मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है और सत्य की स्थापना करता है। यानी शनि अगर शुभ प्रभाव दे तो आपके जीवन में अनुशासन, शुभता, धर्म और परोपकार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर आप शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिए और सबसे बढ़िया है कि सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और यथाशक्ति जितना संभव हो भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा और शनि के शुभ प्रभाव बढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जीवन से संघर्ष कम हो जाता है। जीवन में जो चीज स्लो होते हैं वो चीज रास्ते पर आने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।